दोस्तों मेरा नाम मोहम्मद असलम, मोटर ट्रेनिंग स्कूल मास्टर कार ट्रेनर। तो आज का जो वीडियो बहुत एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि आज मेरे साथ में जो स्टूडेंट है, आज उनको मैं फर्स्ट गियर में गाड़ी किस तरह पिकअप करते हैं, क्लच किस तरह छोड़ते हैं और फर्स्ट गियर में गियर कैसे एक्टिव हो जाता है क्लच छोड़ने से, इस बारे में मैं सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों जो भी मेरे चैनल पर नया है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको मेरा कोई नया वीडियो आता है नोटिफिकेशन मिल सके। और गाड़ी के रिलेटेड आपको कोई भी सवाल करना है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। कल की वीडियो के अंदर मैंने अपना मोबाइल नंबर भी लिख के भेजा हूँ, तो उसमें आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं मरोल मुंबई अंधेरी से MKH मोटर ट्रेनिंग स्कूल का मास्टर हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज गाड़ी का आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आज हम कोई एक नई चीज़ सीखना आज आपको सिखाऊंगा, मैं एक नया टिप बताऊंगा आपको मैं। तो मेरे जो स्टूडेंट है उनको कितना दिन हो गया, उनका पूरा नाम क्या है और दो दिनों में उन्होंने क्या क्या सीखा, आज उनसे पूछ लेते हैं। आपका पूरा नाम क्या है? निशांत मिश्रा जी। आपको कितना दिन हो गया? दो दिन हो गया। दो दिन में आपके स्टीयरिंग का बैलेंस आ गया? हाँ सर। चलो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं गाड़ी। और दूसरी बात ये कि आपने मेरा एडजस्ट कर लिया आपने? जी सर, कर लिया। और सीट बेल्ट लगा दिया आपने? ठीक। चलिए गाड़ी स्टार्ट कीजिए। जब भी गाड़ी स्टार्ट करें तो क्लच दबा के स्टार्ट करने का, क्योंकि अभी जितनी लेटेस्ट गाड़ी आ गई है ना, सब क्लच दबा के ही स्टार्ट किए जाती है। तो अभी आपने क्लच को फुल दबा दिया है ना? ठीक है, फर्स्ट गियर डालिए। आप क्लच को एकदम धीरे धीरे छोड़िए। हाँ, एकदम धीरे धीरे छोड़िए क्लच को, छोड़िए क्लच को धीरे धीरे, आराम से छोड़ते रहिए धीरे धीरे। हाँ, गाड़ी गियर में एक्टिव हो गया। ठीक है, फर्स्ट गियर एक्टिव हो गया। आप राइट का इंडिकेटर, तो जब आप राइट निकलेंगे तो इंडिकेटर देना पड़ेगा ना, हम लोग मेन रोड पर जाने वाले हैं। चलिए क्लच को छोड़िए धीरे धीरे, आराम से और लेफ्ट में लीजिए। अब लेफ्ट का इंडिकेटर दो, हमको लेफ्ट जाना है। इधर आना है? लेफ्ट में जाना है, यहाँ लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट का इंडिकेटर दो ऊपर। हाँ चलिए, आराम से एक्सेलरेटर दबाइए फटाफट। क्लच तो छोड़िए साहब, तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। निशांत जी और लेफ्ट में लीजिए स्टीयरिंग को, और लेफ्ट में लीजिए। वेरी गुड, चलिए इंडिकेटर सही कर दो। ओके, आप क्लच को छोड़ दो, क्लच से गाड़ी मूव होगी ना, आप क्लच को छोड़ दो, छोड़ दीजिए आराम से धीरे धीरे, क्योंकि आज बहुत ठंडी का मौसम, पूरा कोहरा लगा है, मतलब पूरा कोहरा है आज मुंबई के अंदर भी। ऐसा अक्सर जो खंडाला घाट पर देखने मिलता है हमारे को, मुंबई में बहुत रेयरली ऐसा मौसम हो जाता है कि जो है पूरा कोहरा छा जाएगा, तो आज मुंबई में ठंडी बहुत ज़्यादा ही है। आराम से हॉर्न बजा के चलना, ठीक है, क्योंकि पब्लिक जो चल रही है ना, पब्लिक को चलना इस जो चल रही है हमारी जिम्मेदारी, उनको संभालना, अपनी गाड़ी को भी संभालना और चलते हुए पब्लिक को भी संभालना, जो आज बाजू गाड़ी आ रही है ना, उन सबको संभालने की जिम्मेदारी निशान तुम्हारी है। ठीक है, और ये बात समझ लीजिए, जो पब्लिक जो चल रही है, जितनी गाड़ियाँ चल रही है, ये बात अपने जहन पर रख ली ना कि सब सारे पागल है, राइट जाना हमारे को। तो ये जितने जो गाड़ी चला रहे हैं, जो पब्लिक चल रही है, सब पागल है, तुम भी समझदार हो तो तुमको सबको समझ के चलना है। ठीक है, ज़्यादा हो गया, लेफ्ट में लीजिए फटाफट। हमारा रास्ता वो है ना आने का, ये सिंगल रोड है ये निशान, ठीक है, एक आने वाली गाड़ी, एक जाने वाली गाड़ी। तो हमारा जो रास्ता है, ये हमारा लेफ्ट वाला रास्ता, आने वाली गाड़ी का राइट वाला रास्ता है। अब राइट रास्ते में चले जाएंगे तो क्या होगा? लड़ जाएंगे ना। जब हम अपना रास्ता छोड़ के सामने वाले के रास्ते पर जाएंगे तो लड़ जाएंगे ना। चलो, इतनी चीज़ मालूम है आपको कि कहाँ है उस रास्ते पर चले गए। ठीक है, देखो अभी लेडीज चल रही है, अचानक सामने आ जाएगी। वेरी गुड, लेकिन हॉर्न थोड़ा लॉन्ग हॉर्न बजाना, ताकि उसको बराबर सुनाई दे, क्योंकि आजकल जो है सबके कानों में जो है एयरफोन होता है, तो हॉर्न का भी असर नहीं होता है, तो इसलिए क्या लॉन्ग हॉर्न बजाने का, छोटा हॉर्न बजाएंगे तो उनको सुनाई नहीं देता है। इंडिकेटर सही कर दो आप। हाँ वेरी गुड, आराम से अब धीरे धीरे हल्का सा एक्सीलेटर दो दीजिए, एक्सीलेटर दीजिए, गाड़ी को थोड़ा रेस दीजिए, क्योंकि आपको सेकेंड गियर भी डालना है ना, फर्स्ट गियर में तो फिर आप मरोल नहीं घूम सकते हो, फर्स्ट गियर में गियर चेंज करेंगे तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी।
चलिए रेस दो, रेस दीजिए, सेकंड गेट डालिए, सेकंड गेट डालिए। जब गेट डालने का रहेगा ना निशान, ये आपका जो नौ आपका जो हाथ है ना, ये 12 पे आके सीधा गेट चेंज करने का, ये हाथ को यहाँ रखो। हाँ आप गेट डालो, डालो गेट, सेकंड आपने गेट डाला। हाँ गेट दबाने का टाइम कलच दबाया आपने? नहीं दबाया। जब कलच दबाया नहीं तो आप घेर घेर आपका जाएगा? नहीं जाएगा। जब आपको मालूम है तो फिर आपने कलच दबा के घेर क्यों नहीं डाले? क्योंकि आपने जब सेकंड घेर डालने के लिए गए तो घेर न्यूट्रल हो गया था, क्योंकि कलच दबाया नहीं था आपने, तो इसलिए गाड़ी अभी नहीं चलेगी। न्यूट्रल में गाड़ी चलती है क्या? नहीं चलती। तो अभी क्या करेंगे आप? घेर डालेंगे फर्स्ट। हाँ तो कलच दबा, फर्स्ट घेर डालो आप। हाँ चलिए कलच को छोड़िए, धीरे धीरे छोड़िए कलच को, कलच को आपको छोड़ना है। बंद पड़ गई, क्यों बंद पड़ गई गाड़ी पता है आपको? गाड़ी स्टार्ट करो, रेस दबाओ, कलच छोड़ो, कलच छोड़ो धीरे धीरे, कलच छोड़िए भाई, कलच छोड़िए, कलच छोड़िए तो गाड़ी आगे जाएगी निशान, वरना हमको दिन भर यहीं पे खड़ा रहना पड़ेगा अगर कलच आप नहीं छोड़ोगे तो। सेकेंड गियर डालने के लिए आपको बोला तो आपने कलच दबाया नहीं, गियर को सीधा डंडे को खींच दिया तो गाड़ी न्यूट्रल पे आके रुक गई, गियर आपका जो डंडा है न्यूट्रल पे आके रुक गया। मैंने आपको थ्योरी में आपको क्या बताया था कि गियर लगाने में कलच दबा के, हाँ उसके बाद ही गियर चेंज हो गया आपको बताया, फिर आप भूल भी जाते हो। गियर दो टाइम को पूरा दबाना है पूरा अच्छी तरह से, पहला जब भी आपको गियर चेंज करना हो, दूसरा जब भी आपको ब्रेक लगाना हो तभी आपको गियर पूरा दबाना है, ठीक है? तो दोबारा हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभी गाड़ी आपके पीछे बंद पड़ गई थी ना, तो दोबारा हम प्रैक्टिस करेंगे फर्स्ट गियर में गाड़ी को उठाने के लिए, ठीक है? तो गाड़ी को भी आगे आगे लीजिए, लेफ्ट में हल्का से लीजिए और गाड़ी को धीरे धीरे ब्रेक मारना है, क्लच दबाना है और ब्रेक लेना है, धीरे धीरे क्लच दबाओ, क्लच दबाओ, धीरे धीरे ब्रेक लो, धीरे धीरे ब्रेक, ये झटके से ब्रेक नहीं लेना है, अचानक में भयानक हो जाएगा, अचानक ब्रेक लेंगे ना, अचानक ब्रेक लेंगे तो अचानक में भयानक हो जाएगा, कोई भी आके लड़ जाएगा पीछे से। मुंडी मत हिलाओ, आप मेरी बात को सुनो अच्छे से, ठीक है? तो गाड़ी आपकी बंद पड़ गई, क्यों बंद पड़ गई पता है आपको? नहीं मालूम सर। हाँ नहीं मालूम तो ठीक है, आपने सच बोल दिया, अच्छी बात है। गाड़ी आपकी इसलिए बंद पड़ गई निशांत, क्योंकि आपने ब्रेक को दबाया, क्लच को पूरी अच्छी तरह से नहीं दबाया, इसलिए गाड़ी आपकी बंद पड़ गई। मैंने क्या कहा था, दो टाइम को क्लच को पूरी तरह दबाना है, एक जब भी आपको गियर चेंज करना हो तो क्लच को पूरी तरह दबाना है, और दूसरी टाइम जब भी आपको क्लच फर्स्ट गियर पे ब्रेक लेना हो तो क्लच को प्रॉपर पूरी तरह दबाना है, अंदर तक दबाना है, ठीक है? तो अभी गियर को न्यूट्रल कर दो, क्लच दबा के न्यूट्रल करो, न्यूट्रल कीजिए निशांत, क्या आप नाश्ता नहीं करके आज? हो गया सर। ये न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया, हाँ ये भी न्यूट्रल हो गया। अब पूरा हिलाओ, अच्छे से हिलाओ, ताकत से हिलाओ, जरा हिल रहा है ना, ये है न्यूट्रल, और आप गियर में डालो, आगे लो, अभी हिलाओ उसको, नहीं, हाँ ये न्यूट्रल हो गया, नहीं। चलिए न्यूट्रल करो अभी वापस, हाँ पूरा न्यूट्रल करो, हो गया ना। चलिए अब गाड़ी स्टार्ट कीजिए, चलिए अभी फर्स्ट गियर डालिए, हाँ आप क्लच को छोड़िए धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे क्लच छोड़ना, आराम से धीरे धीरे क्लच, हाँ क्लच, हाँ अभी आप क्या कर रहे हो पता है? अभी गाड़ी क्यों बंद पड़ी? नहीं मालूम। अभी आपने क्या क्या पकड़ा था? क्लच पकड़ा था, ब्रेक। हाँ तो जब आप ब्रेक नहीं छोड़ोगे तो गाड़ी कैसे आगे जाएगी? आप ब्रेक नहीं छोड़ोगे तो गाड़ी आगे जाएगी क्या? नहीं जाएगी। आपने क्लच पूरा छोड़ दिया, ब्रेक नहीं छोड़े, इसलिए गाड़ी दोबारा बंद पड़ गई। न्यूट्रल करो वापस, गाड़ी स्टार्ट कीजिए, हाँ स्टार्ट कीजिए गाड़ी, एक्सेलरेटर दबा के स्टार्ट कीजिए, हाँ आप फर्स्ट गियर डालिए, आप क्लच को छोड़िए, ब्रेक पे से पैर हटाइए, छोड़िए क्लच को धीरे धीरे, गाड़ी मूव हो गई ना, बहुत बढ़िया। दोबारा से जो है स्टार्ट स्टॉप कीजिए गाड़ी को, और लेफ्ट में रखी गाड़ी, पहले पार्किंग लाइट जला दो ताकि पीछे वाले को इशारा मिल जाए कि हम जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं।
हाँ चलिए गाड़ी स्टॉप कीजिए, क्लच को दबा के ब्रेक धीरे धीरे लीजिए, स्टॉप करो गाड़ी। फिर आपने झटके से ब्रेक लिया, ब्रेक को एकदम प्यार से धीरे धीरे से लेना है। ब्रेक का जो पैंडल बहुत वो होता है, मतलब क्या कहते हैं, ब्रेक का जो पैंडल होता है हल्का से भी आप दबाओगे तो फौरन ब्रेक दब जाएगा, तो ब्रेक को एकदम प्यार से दबाना है धीरे धीरे। झटके से ब्रेक मारोगे, मैंने कहा ना अचानक में ब्रेक मारोगे तो भयानक हो जाएगा, इसलिए ब्रेक को एकदम आहिस्ता आहिस्ता धीरे से ब्रेक मारना है। अगर आप गाड़ी आपको वहाँ रुकानी है तो ब्रेक आपको यहीं से लेना है, समझ रहे आप? तो चलिए ब्रेक छोड़िए, क्लच छोड़िए धीरे धीरे। मैं आपको क्लच को धीरे धीरे छोड़ने के लिए कहता हूँ, आप झटके में क्लच छोड़ते हो। न्यूट्रल करो, वापस गाड़ी स्टार्ट कीजिए। आप नाइट ड्यूटी करके आए क्या? हाँ भाई, हमारा निशांत जो है स्टूडेंट बहुत मेहनती है, नाइट और डे ड्यूटी करते हैं, गाड़ी सीखने के लिए आए हैं, और मेरी पूरी कोशिश है कि इनको जो अच्छे से अच्छा गाड़ी सिखाऊँ। चलिए धीरे धीरे क्लच छोड़िए, आराम से धीरे धीरे क्लच छोड़िए, बिल्कुल छोड़िए धीरे धीरे क्लच। वेरी गुड वेरी गुड, लेफ्ट लीजिए हल्का सा, वेरी गुड। हॉर्न बजाइए, ब्लैंड टर्न है ना, हॉर्न बजाइए और लेफ्ट में लीजिए, और लेफ्ट में लीजिए, और लेफ्ट में लीजिए। चलिए वापस स्टॉप कीजिए और ब्रेक को धीरे धीरे लेना है, क्लच को फुल दबाना है, हल्का हल्का ब्रेक लेना है आपको। ब्रेक लो, हल्का हल्का ब्रेक लो, हल्का हल्का ब्रेक। वेरी गुड निशान। चलिए अब ब्रेक छोड़ दो, क्लच छोड़ो धीरे धीरे। हाँ धीरे धीरे आहिस्ते, क्योंकि फर्स्ट गेयर में गाड़ी पिकअप करना है ना, तो क्लच को धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा आपको। झटके से क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी, धीरे धीरे क्लच छोड़िए। जैसा आपने पहले वहाँ क्लच छोड़ा था इसी तरह क्लच को छोड़िए आहिस्ता आहिस्ता। वेरी गुड। चलिए अब स्टीयरिंग राइट में घुमाइए, वेरी गुड, सीधा कर दो फौरन, परफेक्ट। समझ गया आप किस तरह क्लच को छोड़ना है धीरे धीरे? हाँ, अब ब्रेक वापस ब्रेक लीजिए और एक बार प्रैक्टिस करते हैं। ब्रेक लीजिए, क्लच दबा के ब्रेक ले लो। गाड़ी आपकी कहाँ जा रही है निशान? हाँ चलिए मिश्रा जी स्टार्ट कीजिए, अभी क्लच को छोड़िए धीरे धीरे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से, ठीक है। इस बात को याद रखना, क्लच को जो आपने छोड़ा है, इस जजमेंट को आपको याद रखना है, हर बार जो है क्लच आपको इसी तरह धीरे छोड़ना। आप पार्किंग लाइट बंद कर दो, ये वाला पार्किंग लाइट, हाँ ठीक है। चलो अभी एक्सेलरेट दो कि स्लोप आ गया ना, रेस दो, क्लच को पूरा छोड़ दो, क्लच से काम खत्म हो गया अभी। वेरी गुड, चलते रहिए धीरे धीरे। आगे से हमको यू टर्न मारने का है, ठीक है। तो जो चीज़ ऐसा कभी जब एक्सेलरेटर दबाओगे ना, साउंड तो आपको समझ में आता है ना, फोन पर हटा देने का, ठीक है, पर एक्सेलरेटर से दोस्ती कम रखने का ब्रेक से ज़्यादा। चलिए फर्स्ट गियर डालिए वापस, अभी आगे से यू टर्न मारेंगे हम। चलिए क्लच को छोड़िए धीरे धीरे, छोड़िए क्लच को धीरे धीरे, आने दो, आने दीजिए। अभी आपको यू टर्न मारना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे गाड़ी आपको लेफ्ट में लेना है, बाइक के पास लो, क्लच दबा के ब्रेक लो, ब्रेक लो, क्लच दबा के ब्रेक लो। हाँ फर्स्ट गियर डालो पूरा, फर्स्ट गियर में गाड़ी पूरा टर्न राइट में, पूरा स्टीयरिंग घुमाओ, स्टीयरिंग को फुल राइट में घुमाओ, एंड तक के पूरा घुमाइए एंड तक स्टीयरिंग। हाँ अब ब्रेक छोड़िए, हाँ क्लच को छोड़ो धीरे धीरे, और राइट में तो गाड़ी तो नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना, राइट का इंडिकेटर दो। हाँ चलिए क्लच को छोड़िए धीरे धीरे, आने दो, क्लच को छोड़ो धीरे धीरे, ठीक है, आने दीजिए। स्टॉप लो, ब्रेक लो, क्लच दबा के ब्रेक लो, क्लच दबा के ब्रेक लो। अभी रिवर्स गियर डालो, रिवर्स बताया था आपको ना मैं, हाँ अब फुल लेफ्ट मारिए स्टीयरिंग, स्टीयरिंग पूरा लेफ्ट में घुमाइए, पूरा घुमाइए एंड तक घुमाइए। हाँ अभी ये सीट बेल्ट छोड़ दिए, सीट बेल्ट को निकाल दो ये, हाँ अभी हाँ निकाल दो, और ये हाथ को जो है ना यहाँ पे रखिए मेरे सीट के पीछे, इन्हें नहीं, ये मेरे सीट के पीछे। अब पलट के देखिए आप, बैक देखिए, क्लच को छोड़िए धीरे धीरे,
कलच को छोड़िए, आने दीजिए बिल्कुल, कलच को छोड़िए, आने दो, स्टॉप कर दो। हाँ, फंस के जा रही है, कलच फुल दबा के, कलच फुल दबा के भाई, कलच को पूरा दबा के, कलच दबा नहीं रहे आप, अब डालो फंस गए, ये फंस गए रे, न्यूट्रल करो बराबर, डालो फंस गए, फंस के डालिए, हाँ डालिए फंस गए, वेरी गुड। चलिए राइट में लीजिए, कलच छोड़िए धीरे धीरे, चलिए फुल राइट मारिए, कलच को छोड़िए धीरे धीरे, छोड़िए कलच को धीरे धीरे, आराम से, वेरी गुड, आने दो। तो देखिए दोस्तों, निशान ने जो है फर्स्ट ग्रेड से गाड़ी पिकअप करना भी जो है आज सीखा है, और यू टर्न किस तरह लेते हैं वो भी आपने सीखा है, और आज उनको मैं सिखाने की पूरी कोशिश किया हूँ। तो निशान की जो इंडिकेटर बंद कर दो, ठीक है, हाँ, अब गाड़ी को साइड में लगा के पहले सीट बेल्ट लगा देना, क्योंकि अभी सीट बेल्ट आप निकाले थे ना, लेफ्ट में दबाइए, या लेफ्ट में दबाइए, क्लच और ब्रेक लीजिए, स्टॉप कीजिए। तो दोस्तों आज जो है निशांत को मैंने, मिश्रा जी को जो है फर्स्ट गियर में गाड़ी किस तरह पिकअप करते हैं, क्लच को छोड़ते हैं वो, और ब्रेक कैसे कंट्रोल करते हैं वो बताया, और तीसरी चीज़ जो आज हमने यू टर्न मारा है, यू टर्न मारने के लिए निशांत को मैंने क्या क्या उसको मतलब किस तरह यू टर्न मारना है, और कहाँ कहाँ देखना है, और क्या क्या फॉलो करना है, आज चीज़ों के बारे में बताया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है, कपड़ा घर के कर हो रहे, और एक्चुअली यहाँ से दिख नहीं रहा कि वीडियो पकड़ने पर हम मोबाइल पकड़ने आ गया, तो मैं दूसरे ये बोल रहा था कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोग का टाइम देने के लिए, बाय।